नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के परिणामों ने साबित कर दिया कि देश में ब्रांड मोदी का जादू बरकरार है। यूपी में चारों ओर भगवा रंग बरसता हुआ नजर आया, वहीं विपक्ष को बड़े झटके मिले। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत पर राजस्थान के झालावाड़ जिले के डग उपखंड पर पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने चार राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर झालावाड़ स्थित क्यासरा महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर व फूलझड़ी जलाकर कार्यकर्ताओं के साथ खुशी मनाई। वहीं मौजूद समस्त कार्यकर्ता व आमजन का मुंह मीठा करवाकर सभी को शुभकामनाएं दी व जमकर आतिशबाजी कर भाजपा व प्रधानमंत्री मोदी के जयघोष के नारे लगाए। मीडिया से बात करते हुए राजे ने कहा कि विजय पताका के रूप में लहरा रहा है भाजपा का भगवा ध्वज, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के करिश्माई नेतृत्व का कमाल है। यह जीत कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों के कठिन परिश्रम एवं लोगों के विश्वास की जीत है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी गुजरात, हिमाचल प्रदेश तथा कर्नाटक चुनाव जीतेगी, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी भाजपा का विजय रथ इसी गति से लगातार चलता रहेगा। केंद्रीय नेतृत्व सहित समस्त कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने खुशी जाहिर की। इस दौरान उनके साथ झालावाड़ 12 सांसद दुष्यंत सिंह, जिला अध्यक्ष संजय जैन, श्याम सुंदर शर्मा, श्री कृष्ण पाटीदार, दिनेश अग्रवाल, दिनेश जैन सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। संवाददाता अमित अग्रवाल की रिपोर्ट। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का करिश्माई नेतृत्व है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, उनकी मेहनत, ये सब चीज़ों ने मिलकर जोरदार विजय उत्तर प्रदेश में कराई है। आगे मेरे हिसाब से गुजरात और हिमाचल, फिर कर्नाटक और उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराने वाला है सब दूर। और आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी के सब शीर्ष नेतृत्वगण को बहुत सारी सारी बधाइयाँ और कार्यकर्ताओं को जिन्होंने अपनी कमर तोड़ मेहनत करके ये रिज़ल्ट लाया है, उनको भी बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहूँगी। सैलाब जन सैलाब दिखाया है और अपना एक परिवार का एक महत्व दिया, क्या कुछ कहें झालावाड़ जैसे? हम लोगों का तो ये 33 साल का साथ है। कभी कभी जब मैं गिनती हूँ तो मेरे को लगता है कि समय किधर गया कुछ मालूम ही नहीं पड़ता, परंतु जिस दिन से मैं यहाँ आई आज तक, और आज इनफैक्ट क्योंकि मैं चौमेला होके आ रही हूँ, चौमेला में मेरे को पहली बार चौथी पीढ़ी के दर्शन करने का मुझे मौका मिला है। सो पहली पीढ़ी से लेकर चौथी पीढ़ी तक हम लोग सब एक दूसरे के साथ मिले जुले एक परिवार जैसे हैं, और हमारा तो साथ हमेशा हमेशा इनके लिए रहेगा, क्योंकि जब भी ज़रूरत पड़ी है तो ये हमारे सामने चट्टान जैसे खड़े हो जाते हैं। इनका प्यार, इनका साथ और इनका सहयोग। किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत आपने की है कायम हमेश्वर महादेव मंदिर क्यासरा से या नागेश्वर तीर्थ पेड़ी उन्हें से, तो क्या कुछ आज? नहीं, तो हमारे यहाँ तो क्या है कि बड़े चमत्कारी मंदिर हैं, और ये खाली राजस्थान झालावाड़ की बात नहीं कर रही मैं, ये हमारे पूरे राजस्थान की बात है। अलग अलग ज़िले के अंदर उनके अलग अलग चमत्कारी मंदिर हैं। आज नागेश्वर महाराज के यहाँ आपने दर्शन किए होंगे सबने, उसके बाद क्यासरा के दर्शन किए होंगे,